नमो नमः। मम नाम वीर सनातन पुराणेन्दुरायः। अहम नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरौणी दरभंगातः सहाचार्य अस्मि। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंडस्य कृते अद्य अहम पाठ नीतवान। अध्याप्य विषय अस्ति मालविकाग्निमित्रम् अति वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तराणि विषय साहित्यम् अपि अस्ति। मालविकाग्नि मित्र नाटके अंगिरस कह विद्यति इदत प्रश्न अस्ति। प्रथम प्रश्न है अंगिरस अस्ति किम अंगिरस अस्ति सिंगारस अंगिरस विद्यते। अग्नि मित्र की दृश्यो नायक वर्तते। अग्नि मित्र की दृश्यो नायक वर्तते तो तरी अस्ति धीर ललिता नायक अस्ति। धीर ललित नायक है जो धीर ललित नायक जो है इसमें ये अग्नि मित्र है। नाट्यशास्त्र दृष्ट्या मालविका की दृशी नायिका भवतुम अर्हति वो मुग्धा नायिका कोटि ही भवतुम अर्हति। इरावती का विद्यते। राज्ञे अग्निमित्रस्य द्वितीय पत्नी नाम अस्ति इरावती। अग्निमित्र की दूसरी पत्नी जो है वो इरावती है। राज्ञे अग्निमित्रस्य प्रधान महिषी का आसीत धारणी प्रधान महिषी आसीत। प्रश्नमस्ति मालविका अग्निमित्र नाटके विदूषका को वर्तते। विदूषक को वर्तते तरी हम कहेंगे विदूषक जो है गौतम अस्ति। विदूषक गौतम नाम विदूषको वर्तते। मालविकाग्निमित्र कीदृशं नाटकम् अस्ति ऐतिहासिक नाटकम् अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटकस्य मंगलाचरण किं नाम वृत्तम् अस्ति। सृग्धरा नामक छंद है इसमें वृत्तम् अस्ति। आगामी सुख दुःखं वा हृदयमवस्था कथयति वाक्यं कां कां प्रति वदति। आगामी सुख दुःखं वा छंद हृदय समस्था कथयति इति वाक्यम मदनिका ज्योत्स्निकायां प्रति वदति। ज्योत्स्निका के प्रति वो बोलती है। मालविका कस्य भगिनी आसीत। मालविका माधवसेनस्य कणियसी भगिनी आसीत। माधवसेन की छोटी बहन है कणियसी। पुष्यमित्र कः आसीत। पुष्यमित्र राज्ञो अग्निमित्रस्य जनक आसीत। पुष्यमित्र शुंग प्रतापी हिंदू कट्टर हिंदू सम्राट थे और पुष्यमित्र जो है बौद्ध धर्म के घोर विरोधी थे। सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठाया पुष्यमित्र शुंग ने उस पर प्रहार किया। पुष्यमित्र राज्ञो अग्निमित्र से जनक आसीत। बड़वा नरस्य जनक का आसीत। बड़वा नरस्य जनक और वो मुनि राशीत। और वो मुनि है बड़वा नल जो है समुद्र में लगने वाले आग को बड़वा नल कहते हैं और पेट में लगने वाले आग को जठर अग्नि कहते हैं। माधविका का आशित। माधविका का आशित। माधविका सभा सार भांड गृह पारिता एका रक्षिका आसीत। एका रक्षिका आसीत। अहो अविस्मरणीय पुरुषा इति वाक्यम काम का काम प्रति वदति। इति वाक्यम राज्ञा इरावती राजाम प्रति वदति। प्रश्न नंबर चतुर्दशः प्रश्न क्रम अस्ति चतुर्दशः। उद्यान पलिकायाः नाम किम् आसीत। मधुकरिका इत्याशीत। कीदृशीधा शिष्या उपदेशं मलयन्ति। मंदवेदश शिष्या उपदेशं मलयन्ति। कीदृशः चंद्रः महिमानमधिगच्छति। निशा परिगृहितः चंद्रः महिमानमधिगच्छति। प्रश्न संख्या अस्ति अष्टादश सप्तदश। लास्य तांडव नृत्योर मध्ये किम भेद अस्ति। तरी किम अस्ति स्त्री नित्यम यास्यम लास्यम अस्ति और पुरुष यह नित्यम करोति तांडवम मतम अस्ति। मालविकाया नाट्याचार्य का अस्ति आचार्य गणदासः। आचार्य गणदासः नाट्याचार्य अस्ति। मालविकाग्नि मित्र नाटक में जो है आचार्य गणदास नाटक सिखाते हैं मालविका को। ये गणदास बड़े ही सम्यक ढंग से प्रस्तुत नाटक में महाकवि कालिदास ने नाट्य की महिमा को जो है बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। आदरह कुत्र पदम करोति आकृति विशेषे स्वादरह पदम करोति। प्रश्न संख्या विंशति संत परीक्षानंतरंद तदभजंते मूढ़ा पर प्रत्यने बुद्धरीति सुभाषित युतम पद्यम संपूरियत। पुराण मित्यवेव न साधु सर्वना चापि काव्यम नव मित्यवधम शंत परीक्षंत रुद्रजंते मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। मालविकाग्निमित्र नाटके कति अंकाः सन्ति। मालविकाग्निमित्र नाटके पंच अंकाः पांच अंक हैं।
5 अंक हैं। मालविका राजा समक्षम यदत्तम तदलिखत, क्या लिखा था राजा के समक्ष मालविका ने? दुर्लभ प्रियो में तस्मिन् भव हृदय निराशा, बहो अपांगो मैं परिस्फुरत किमपि वामः, इस सचिर दृष्ट कथम पुनरूप नेतव्यो, नाथ माम परिधीनाम तई परिगणय सतृष्णाम। ऐसा जो है मालविका ने लिखा था। इदानीं प्रश्न संख्या अस्ति 23। कथयति माधव सेना कः आसीत्। माधव सेनः कः आसीत्? माधव सेना यज्ञसेनस्य पितृव्यजनः मालविका भ्राता चासीत्। कौशिकी परिवराजिका का आसीत्? कौशिकी माधव सेन सचिवस्य आर्य सुमते भगणी आसीत्। मालविका अग्निमित्रम नाटकस्य भरतवाक्यमितं पद्यम लिखत, तम मे प्रसाद सुमुखी भव नित्य, मेतावदेव हृदय परिपालनीयम, आशा समीति निगम प्रभृति प्रजानाम संपत्तस्यते न खलु गोप्तरी नाग्निमित्रे। एकस्वर्ये स्थितो अपि किमस्ति मंगलाचरणम अस्ति, वकुलावलिका कस्य नाटकस्य पात्राः अस्ति मालविका अग्निमित्रम, यह नाटकम अस्ति तस्य पात्रा वकुलावलिका अस्ति, वकुलावलिका अस्ति। अतिमात्रम भासुरत्वं पुष्यति मानो परिग्राहदनलः, कस्मिन् अंकस्य सुभाषितम् अस्ति मालविकाग्निमित्रस्य प्रथमांकस्य उक्ति अस्ति ही। न शोभते पन प्रणय जने निरपेक्षता, कुणस्य उक्ति अस्ति पुत्रस्य उक्ति अस्ति मालविकाग्निमित्र नाटकस्य तृतीय अंकस्य उक्ति अस्ति ही। पुष्यमित्र कस्य धर्मस्य प्रबल विरोधी आसीत्, वद धर्मस्य प्रबल विरोधी पुष्यमित्र शुंग आसीत। पुष्यमित्र शुंग जो है अपने काल में बौद्धों को जो है बहुत तरीके से जो है उनको समाप्त किया। कारण पुष्यमित्र शुंग कट्टर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के रक्षक थे। पुष्यमित्र शुंग वह धर्मस्य विरोधी आसीत। कुलविधा केषां बहुमता, काम खलु सर्वस्यापि कुलविधा बहुमता। महाकवि कालिदासस्य प्रथम रचना नाटक अस्ति किम्? मालविकाग्निमित्रम प्रथम रचना अस्ति नाटके। इदानीं सूत्रधारस्य मालविकाग्निमित्र नाम नाटकम कस्मिन् अवसरे प्रयुक्तमिति, तो कहते हैं ये बसंतोत्सवे प्रयुक्तमिति, यानी कि सूत्रधारे मालविकाग्निमित्र नाम नाटक स्क्रीन बसंतोत्सवे प्रयुक्त, बसंतोत्सव में ऐसा नाटक खेला गया। बसंतोत्सव जो है हमारे भारतीय संस्कृति का एक ऐसा काल था जिसमें जो है इस तरह के प्रणय प्रेम जनित नाटकों को खेला जाता था। तरी के मस्ती के अद्यस्य क्लांसा समाप्त जाता, जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा। आगामी क्लांसा है छंदोप मंजरी, यानी कि अगली क्लास में छंदोप मंजरी का पाठ करेंगे, तृतीय खंड के लिए ही होगा। और छंदोप मंजरी में हम छंद के बारे में जानेंगे कि किस छंद को कैसे कब और कहाँ बोला जाए। जय संस्कृत, नमो नमः।